शांति। आज की तारीख है 15/6/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम बच्चे जानते हैं कि परमात्मा अधर्मी दुनिया का विनाश करने और सत धर्म की दुनिया स्थापन करने अर्थात गंदी दुनिया छीछी दुनिया को मिटाने और बहुत अच्छी गुलगुल दुनिया की स्थापना करने। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है, इस गंदी दुनिया में अब रहना नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप के तरफ भी बुद्धि न जाए। क्यों? बुद्धि जाएगी तो बाबा भूल जाएगा, तो गंदे ख्यालात भी आते हैं शरीर को देखकर, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु, नंबर एक है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय कोई याद न आए उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। क्योंकि स्नेह का और मृत्यु का कायदा क्या कहता है? मृत्यु का कायदा कहता है कि जिससे अधिक स्नेह होता है, जिसके नाम रूप में हम होते हैं, अंत समय वही व्यक्ति याद आती है। तो यदि हम इस गंदी दुनिया छीछी दुनिया पुरानी दुनिया से अगर हम किसी भी नाम रूपधारी शरीरधारी व्यक्ति से स्नेह करेंगे, स्नेह नहीं परंतु नाम रूप का मोह करेंगे, तो अंत में वही व्यक्ति याद आएगी और प्रभु की याद भूल जाएगी, तो हमारी गति सदगति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई की भी याद न आए। नंबर दो, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है और अपने ऊपर रहम करना है। वरदान है आज का। सतगुरु बाबा कहते हैं कि सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी और निश्चिंत भव। बाप दादा कहते हैं कि स्नेही बच्चों को बाप दादा के द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ भी नहीं सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से
सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.